हेलो गाइस, क्या आप परेशान हैं? क्या आप टेंशन में हैं कि आपका मोबाइल का जो डाटा है वो स्पीड नहीं चल रहा है, मगर किसी दूसरे के मोबाइल पे बहुत ही अच्छा चल रहा है? तो इससे आपका क्या होता है कि आपका जो हर रोज़ का डाटा है वो वेस्ट हो रहा है और आप उसको यूज़ कर नहीं पा रहे हैं, और कोई भी आप जो ऑनलाइन काम है यानी आप फेसबुक व्हाट्सएप भी जो सोशल मीडिया से उसको भी यूज़ कर नहीं पा रहे हैं और किसी फाइल को आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप इस सॉल्यूशन यानी इस जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, कैसे आप उससे बाहर निकले और आप इजीली इसमें जो आपका आपका जो मोबाइल डाटा है वो आप यूज़ कर सकें और आप उसको जो जितना भी आपका पार्ट डे 1 GB 1 GB एंड 2 GB 1.5 GB जितना भी है उसको आप ख़त्म कर सकें और अपना जो मोबाइल का इंटरनेट स्पीड बढ़ा सके। जी जी हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप कर पाएंगे इसके लिए मैं आपको आज डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूं, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी प्लीज़ वीडियो को जरूर एंड तक देखेगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आप इस वीडियो के बारे में जान पाएंगे और अपना मोबाइल जो डाटा यानी मोबाइल का जो डाटा है उसका स्पीड कर पाएंगे। जय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। मैं आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त देर वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारा मोबाइल स्क्रीन पर। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जब आपको बेल आइकन है उसे भी अलाउ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि मेरा मोबाइल जो स्क्रीन है उसमें मैं आ चुका हूं और आपको मैं करके दिखाने वाला हूं कि जब मोबाइल मेरा जो मोबाइल का डाटा है वो बहुत ही स्लो है तो कैसे आपका मोबाइल का डाटा स्पीड बनाए यानी स्पीड अप करे। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका मोबाइल स्क्रीन मोबाइल पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि आपको इसलिए जाना है आपका मोबाइल का प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप इसमें सर्च करेंगे, इसमें आप सर्च करेंगे 1.1.1.1.1। देखिए इसमें आ गया 1.1.1 फास्टर एंड सेफ इंटरनेट। इसमें आपको इस ऐप्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि मेरे पास अभी इंस्टॉल है। तो देखिए इसका रेटिंग जो है, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 4.3 इसका रेटिंग्स है और इसका डाउनलोडिंग है 10 मिलियन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जो यूजेस है इसको कर पाएंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ओपन करना कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको इस वर्जन को यूज़ करना है। देखिए करने के बाद इसमें सीधे आपका आ गया कनेक्ट एंड अभी डिसकनेक्ट क्या इसमें बोला जाए, योर टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन इज़ इनवैलिड, रीसेट ऑल सेटिंग। तो अभी मैं इसे इसके सेटिंग्स है इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ। तो इसके मैं टर्म एंड कंडीशन जो है वो भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए इसमें तो आपको करना क्या होगा, आपको सीधे इसमें देखिए बहुत सारा वर्जन है इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन है, तो मैं इसको चलता हूँ बैक और आपको इसमें कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद देखिए कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो इसमें इंस्टॉल VPN बोल रहा है। ठीक है, इसमें आपको इंस्टॉल कर लेना है और ओके कर लेना है। ठीक है, देखिए आपको इसमें कनेक्ट हो जाना है। देखिए कनेक्ट हो गया तो आपसे वो मांग रहे ना VPN प्रोफाइल दैट अलाउज टू सिक्योर द इंटरनेट ट्रैफिक दैट द वेरी कॉन्शियस ऑफ योर प्रॉब्लम प्लेस कलेक्ट डाटा ऑफ द पॉसिबल वी विल नेवर सेल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसलिए आपको इस सॉफ्टवेयर को आपको अलाउ कर देना है। देखिए जब भी अलाउ करेंगे तो आपका देखिए मोबाइल जो है वो कनेक्टेड होगी, योर इंटरनेट इज़ प्राइवेट यानी आपका जो इंटरनेट है वो प्राइवेट है। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के बाद आपको सीधे मोबाइल में बैक चले जाना है। जाने के बाद आपका मोबाइल का जो सेटिंग्स है उस सेटिंग्स में जाना है। जाने के बाद आपका जो सेटिंग्स में मोबाइल जो डाटा यूजेज होता है
आपको उसी क्वेश्चन को सर्च कर लेना है डाटा यूजेस को। तो डाटा यूजेस को हम सर्च कर लेंगे थोड़ा, अदर वर्ल्ड कंडीशन में जाएंगे, इसमें भी नहीं है। तो हमें डाटा यूजेस को सर्च कर लेना है, मोबाइल डाटा है। देखिए इसमें डाटा सेविंग्स जो है ऑप्शन इसे यानी ऑफ किया है, इसे हमको ऑन करना है। ठीक है, इसको ऑन करना है। देखिए इसमें ऑन कर लिए हम, इसमें ऑन करने के बाद देखिए डाटा सेविंग मोड में देखिए अनलिस्टेड ऐप्स, इसमें 86 जो ऐप्स है वो ऐप्स अभी क्या क्या हो रहा है कौन से ऐप्स में। तो आपको डाटा को स्पीड करने के लिए देखिए बैकग्राउंड इसमें नेट खा रहा है, मैं आज 40 MB खा गया तो मुझे ज़रूरत नहीं है। इसका भी बैकग्राउंड बंद कर दे, इसका भी बैकग्राउंड बंद करते हैं। सॉरी क्लब फैक्ट्री मेरा है एक चाइनीज़ है, उसको भी उड़ाना है। तो जो हम यूज़ नहीं करते उसका जो ड्राइवर है हम उसको बंद करके रख देंगे। जब हम यूज़ करेंगे सिर्फ उसी टाइम पे हम उसको यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं जीमेल को ऑन कर लेता हूँ। तो जब हम जिसको यूज़ करेंगे सिर्फ उसी टाइम को हम यानी आपको जो सिस्टम से आपको उसी टाइम पे यूज़ करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस जो ऐप्स है जितना भी आप इसको बंद करके रखेंगे तो सही होगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पूरा बंद करके पूरा जो सिस्टम से मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ। ठीक है, देखिए इतना सारा ऐप्स जो है मेरा जो डाटा चोरी कर लेता है और डाटा सेविंग्स भी नहीं होता है और जल्दी ख़त्म। तो देखिए जरा जितना ऐप्स है आप उसको ऐप्स इजीली ऐप्स को जो बैकग्राउंड रनिंग है उसको आप ऐप्स को बंद कर लेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेविंग्स हो जाएगा और आपको मोबाइल का जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छा चलेगा और जो जितना भी आपका जो सर्कुलेशन है आप उसको बंद कर देंगे बैकग्राउंड में। देखिए मैं बहुत सारा बंद कर चुका हूँ और अभी अभी कुछ जो ऐप्स है उसमें अभी भी लगा हुआ है तो उसे हमको करना है बंद। ठीक है, तो इस तरह से बंद कर लेंगे तो और आपका मोबाइल बहुत ही फास्ट इंटरनेट चलेगा, बहुत ही क्लियर चलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए छोटा सा वीडियो था, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है कैसा लगा वीडियो को कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।